राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सियाराम। आज हम छठ पूजा के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पर्व को कब और क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने की विधि क्या है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी या डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा पर्व है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी छठी मैया के प्रति समर्पित है। यह पर्व प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर है। पारंपरिक रूप से यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर में फैले भारतीय समुदायों के बीच भी लोकप्रिय होता जा रहा है। छठ पूजा का प्राथमिक महत्व सूर्यदेव और षष्ठी मैया के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करना है। सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है, जो पृथ्वी पर प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं छठी मैया को उर्वरता और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार छठ पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उसके पोषण के लिए धन्यवाद देने का एक माध्यम है। यह पर्व पारिवारिक सद्भाव, सामुदायिक भावना और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। पूजा के दौरान भक्त न केवल अपने परिवार के कल्याण के लिए बल्कि पूरे समुदाय के कल्याण के लिए भी मंगल कामना करते हैं। छठ पूजा एक कठोर और शुद्ध मन से किया जाने वाला 4 दिवसीय अनुष्ठान है। प्रत्येक दिन विशिष्ट अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं और पवित्र स्नान करके अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसके बाद वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए शाम के समय घर की साफ सफाई करते हैं और पूजा की सामग्री को तैयार किया जाता है। दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त गुड़ से बनी खीर और गेहूं के आटे से बनी रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। यह प्रसाद सबसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर यह प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय भक्त नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य में दूध, शहद, फूल और फल शामिल किए जाते हैं। भक्त सूर्यदेव से आरोग्य, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। नदी या तालाब के किनारे शाम की भक्ति और प्रार्थना का वातावरण अत्यंत भक्तिमय होता है। छठ पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन उषा अर्घ्य होता है। इस दिन भक्त भोर से पहले उठते हैं और सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। वे उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसमें दूध, गंगाजल, शहद और फूल शामिल किए जाते हैं। यह अंतिम अर्घ्य छठ पूजा के समापन का प्रतीक कहलाता है। इसके बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूरे उत्सव का समापन हो जाता है। छठ पूजा व्यापक तैयारी और समर्पण की मांग करती है। पूजा से पहले
घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा सामग्री एकत्रित की जाती है। छठ पूजा के अनुष्ठानों का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। उदाहरण के तौर पर नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने से शरीर में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में वृद्धि होती है, जो विटामिन डी के उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त नदी या तालाब के पानी में खड़े होने से शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। छठ पूजा बिहार और झारखंड की समृद्ध संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। पूजा के दौरान विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। छठ पूजा लोकगीतों और नृत्यों के साथ भी मनाई जाती है। पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत प्रकृति की सुंदरता और सूर्यदेव के महत्व का गुणगान करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में कोसी पूजन की भी प्रथा है। यह व्रती द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत पहले अर्घ के बाद होती है और समाप्ति दूसरा अर्घ देने के साथ होती है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय मन्नत मांगता है तो वह अवश्य पूरी होती है। जोड़े में कोसी भरना शुभ माना जाता है। सूर्य षष्ठी की शाम में छठी मैया को अर्घ देने के बाद घर के आंगन में छत या नदी के किनारे कोसी की पूजा की जाती है। इसके लिए कम से कम 4 या 7 गन्ने का मंडप बनाया जाता है। लाल रंग के कपड़े में ठेकुआ, फल, अर्कपात, केराव रखकर गन्ने के मंडप के ऊपर बांध दिया जाता है। उसके अंदर मिट्टी के बने हाथी को रखकर उस पर कलश रखकर पूजा की जाती है। छठ पूजा में कोसी भरने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं, जिसे काफी सावधानी से करना होता है। कोसी भरने के लिए सबसे पहले पूजा करते समय मिट्टी के हाथी को सिंदूर लगाया जाता है और फिर कलश में मौसमी फल और ठेकुआ, अदरक, सुथनी सहित सभी सामग्री को रख दिया जाता है। कोसी पर दिया जलाया जाता है। उसके बाद कोसी के चारों ओर अर्घ की सामग्री से भरी सूप, डगरा, डलिया, मिट्टी के ढक्कन में तांबे के पात्र को रखकर दिया जला दिया जाता है। इस दौरान धूप डालकर हवन करते हैं और छठी मैया का पूजन करते हैं। यही प्रक्रिया अगली सुबह नदी घाट पर दोहराई जाती है। इस दौरान महिलाएं गीत गाकर मन्नत पूरी होने की कामना और इसके लिए छठी मैया का आभार व्यक्त करती है। तो इस प्रकार कोसी भरने की प्रक्रिया और उसकी पूजन की जो विधि है वो संपन्न हो जाती है। लोगों द्वारा छठ पूजा के लिए एक नहीं बल्कि कई धार्मिक महत्व बताए गए। एक मान्यता के अनुसार जब श्री राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब ऋषि मुनियों के आदेश पर श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया था। इस पूजा को करने के लिए मुग्दल ऋषि को बुलाया गया था। इस यज्ञ में मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगाजल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया था और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना करने का आदेश दिया था। इसके बाद
माता सीता ने मुरुगन ऋषि के आश्रम में 6 दिन रहकर सूर्य भगवान की पूजा की। इसके बाद 7वें दिन सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान का फिर से अनुसंधान करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसे में बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस घटना के बाद छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके अलावा बहुत से हिंदू ग्रंथों का यह भी मानना है कि छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल से ही हुआ था। कहा जाता है कि सबसे पहले छठ पूजा सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान सूर्य की पूजा करके छठ पर्व शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, जिसके कारण वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते। इसके बाद भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही कर्ण महायोद्धा बने। इसलिए आज भी छठ पर्व की पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यह परंपरा सालों से चलती आ रही है। कुछ ग्रंथों का यह भी मानना है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने यह छठ व्रत रखा था। इस व्रत को करने के बाद द्रौपदी की मनोकामना पूर्ण हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रयेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस दुखद खबर से पूरे राज्य में शोक फैल गया। जब राजा अपने मृत पुत्र को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक चमकता हुआ विमान उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूं और सभी बच्चों की रक्षा करती हूं। यह कहकर देवी ने शिशु को छुआ, जिससे वह जीवित हो गया। इस चमत्कार के बाद राजा ने अपने राज्य में षष्ठी देवी की पूजा की और इस त्योहार को मनाने की घोषणा कर दी। तभी से यह त्योहार बच्चों की सुरक्षा के लिए भी मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे श्याम।